मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में थीम्स पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में थीम्स, पर्सोनास, एड ब्लॉकिंग। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स यूजर की रुचि या प्रेफरेंसेस के अनुकूल कस्टमाइजेशन प्रदान करता है। थीम्स इनमें से एक कस्टमाइजेशन है। एक थीम के बदलने से फ़ायरफ़ॉक्स बैकग्राउंड रंग, बटन का लुक और लेआउट बदल सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम उबंटु 10.04 पर फायरफॉक्स वर्जन 7.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फायरफॉक्स ब्राउजर खोलते हैं। हम पहले सीखते हैं कि मोज़िला फायरफॉक्स में थीम कैसे बदलें। पहले लोड इमेजेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन सक्षम करें ताकि हम ब्राउजर में प्रदर्शित इमेज देख सकें। मेन्यू बार से एडिट और फिर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स में कंटेंट टैब चुनें, लोड इमेजेस ऑटोमेटिकली बॉक्स चेक करें, क्लोज पर क्लिक करें। अब यूआरएल बार पर क्लिक करें और टाइप करें addons.mozilla.org/firefox/themes। एंटर दबाएं। यह हमें मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स एडऑन्स के लिए थीम्स पेज पर ले जाता है। हम यहाँ बड़ी संख्या में थीम्स को थंबनेल्स के रूप में देखते हैं। थंबनेल आपको दिखाता है कि थीम्स कैसे प्रदर्शित होंगी। यहाँ आप थीम को प्रीव्यू कर सकते हैं, उपलब्ध थीम्स की श्रेणियाँ देखें और अन्य यूजर्स द्वारा किए गए रेटिंग देखें जिन्होंने थीम का इस्तेमाल किया है। अपने माउस सूचक को कुछ थीम्स पर घुमाएं। अब शाइन ब्राइट स्किन थीम पर क्लिक करें। इस पेज पर उपलब्ध थीम्स में से यह एक है। शाइन ब्राइट स्किन थीम पेज प्रदर्शित होता है। कंटिन्यू टू डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। यह आपको थीम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले पेज पर ले जाता है। थीम को संस्थापित करने के लिए एड टू फायरफॉक्स बटन पर क्लिक करें। एड ऑन डाउनलोडिंग प्रगति बार प्रदर्शित होता है। आगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पुष्टिकरण संदेश दिखाई देता है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। एक संदेश प्रदर्शित होता है कि थीम संस्थापित होगी जैसे ही आप फायरफॉक्स रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। मोज़िला फायरफॉक्स बंद हो जाता है। जब यह रिस्टार्ट होता है नई थीम्स लागू होती हैं। अपने थीम्स पेज पर वापस जाएं। अब दूसरी थीम चुनें। यह थीम ऐड टू फायरफॉक्स बटन प्रदर्शित करती है। यह चुनी गई थीम को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड पूरा हो जाने पर एक चेतावनी संदेश की विंडो प्रदर्शित होती है। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करें। आपको फायरफॉक्स ब्राउजर रिस्टार्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा। रिस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करें। मोज़िला फायरफॉक्स बंद हो जाता है। जब यह रिस्टार्ट होता है नई थीम्स लागू होती हैं। तो हम देखते हैं कि ब्राउजर की आकृति में सुधार लाने में थीम्स मदद करता है। यह आपकी अद्वितीय रुचि के हिसाब से फायरफॉक्स ब्राउजर को कस्टमाइज करता है। यदि किसी कारण से आप डिफॉल्ट थीम पर वापस जाना चाहते हैं तो टूल्स और एडऑन्स पर क्लिक करें। बाएं पैनल पर अपीयरेंस टैब पर क्लिक करें। यहां डाउनलोड की गई सभी थीम्स दिखाई देती हैं। यहां डिफॉल्ट थीम देखें। इनेबल बटन पर क्लिक करें। रिस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करें। मोज़िला फायरफॉक्स बंद होकर रिस्टार्ट होगा। जब रिस्टार्ट होता है तो डिफॉल्ट थीम एक बार फिर दिखाई देती है। एडऑन्स टैब बंद करें। पर्सोनाज फायरफॉक्स के लिए मुफ्त और संस्थापित करने में आसान स्किन्स हैं। पर्सोनाज प्लस अधिक नियंत्रण देने के लिए नए, लोकप्रिय और यहां तक कि आपके पसंदीदा पर्सोनाज के लिए आसान एक्सेस के लिए इस अंतर्निहित कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यूआरएल बार पर क्लिक करें और टाइप करें addons.mozilla.org/firefox/personas। एंटर दबाएं। यह हमें मोज़िला फायरफॉक्स एडऑन्स के पर्सोनाज पेज पर ले जाता है। हम एक बड़ी संख्या में पर्सोनाज देखते हैं।
अपनी पसंद के किसी भी पर्सोना पर क्लिक करें। यह आपको उस पेज पर ले जाएगा जो चुने हुए पर्सोना का विवरण देता है। ऐड टू फायरफॉक्स बटन पर क्लिक करें। आपको सतर्क करने के लिए ऊपर एक नोटिफिकेशन बार दिखाई देता है कि नई थीम संस्थापित हो गई है। नोटिफिकेशन बार के दाएं तरफ छोटे क्रॉस चिन्ह पर क्लिक करें। फायरफॉक्स इस पर्सोना को स्वतः संस्थापित करता है। अक्सर विज्ञापन हमारे इंटरनेट अनुभव के साथ हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष सॉफ्टवेयर है जो विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए मदद करते हैं। एड ब्लॉक ऐसा ही एक एड ऑन है। टूल्स और फिर एड ऑन्स पर क्लिक करें। ऊपर दाएं कोने के सर्च टैब में एड ब्लॉक खोजें, एंटर दबाएं। विज्ञापन ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर की एक सूची प्रदर्शित होती है। एड ब्लॉक प्लस के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। एड ब्लॉक डाउनलोड होना शुरू होता है। बस इतना ही, एड ब्लॉकर अब संस्थापित हो गया है। एक सूचना संदेश प्रदर्शित होगा जो दर्शाता है एड ब्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड आफ्टर यू रिस्टार्ट फायरफॉक्स। रिस्टार्ट नाउ लिंक पर क्लिक करें। मोज़िला फायरफॉक्स बंद होकर रिस्टार्ट होगा। जब रिस्टार्ट होता है एड ब्लॉकर प्रभावी होगा। हालांकि एड ब्लॉकर्स का उपयोग करने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। कुछ साइट्स आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती जब एड ब्लॉकर ऑन रहता है। यह इसलिए क्योंकि कई मुफ्त साइट्स उनकी आय विज्ञापनों से अर्जित करती हैं। एड ब्लॉकर आपके ब्राउजर पर प्रदर्शित होने से कुछ साइट्स को रोक सकता है। इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए जब एड ब्लॉक कर रहे हो। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने थीम्स, पर्सोनाज और एड ब्लॉकिंग के बारे में सीखा। इस नियत कार्य को करने की कोशिश करें। नासा नाइट लॉन्च थीम संस्थापित करें, फिर डिफॉल्ट थीम पर वापस जाएं। उनको छोड़कर जो yahoo.com से हैं, सभी पॉपअप्स ब्लॉक करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।